जनपद कन्नौज में हमारे संवाददाता सोनू भदौरिया ने डॉक्टर अजीत साग से मुलाकात कर कोरोना वायरस के विषय में रूबरू किया। इससे बचाव के लिए उन्होंने अच्छी डाइट लेने के लिए अपील की। जिस मरीज को कोरोना का माइनर इन्फेक्शन होता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम के कारण सर्विस कर जाता है, अतिशीघ्र ऐसे मरीज कोरोना मुक्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनू भदौरिया जनपद कन्नौज से। आज आपको लेके चलते हैं जनपद कन्नौज के खड़नी में, जहाँ पे हमारे माननीय डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर डॉक्टर अजीत साग। आइए उनसे बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि ये कोरोना वायरस किस प्रकार के कीटाणु होते हैं और इनसे कितने नुकसान होते हैं और किस हद तक ये नुकसान पहुँचा सकते हैं, आइए उनसे जानकारी करेंगे। जी डॉक्टर साहब। यस सर, सबसे पहले हम कहना चाहूँगा इस न्यू वायरस का COVID-19 कोरोना जी ऑलरेडी यू नो माननीय सोनू भदौरिया जी यू नो कोरोना जो अदर इसकी स्टेज हैं और अदर जो वायरसेस हैं इसके COVID-19 के अलावा जी, जी, जी. वो आपके इंडियाज में और अदर कंट्रीज में ऑल ओवर पहले से हैं अवेलेबल। जिसको वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसको भी ड्राई कफ होता है उसके अंदर कोरोना का ही इन्फेक्शन होता है। बट COVID-19 जो नया वायरस इशू हुआ है, लॉन्च हुआ है, वो आप यू भलीभांति जानते हैं चाइना के किसी जगह से वैज्ञानिकों ने किसी तरह उसको जो है आपको सबको पता है क्या करा था, वहीं से जो है वो पूरी विश्व को चैलेंज कर रहा है। वो चाइना से लॉन्च हुआ है जी। इसका आविष्कार चाइना से हुआ है और ये हम लोगों के बॉडी में सबसे पहले हम लोग जिस बंदे को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है उस बंदे के दूसरे नागरिक के टच में होने से सबसे पहले इसकी एंट्री आँख और नाक और मुंह और कानों से होती है आपको पता है। तो उपरांत ये वायरस सबसे पहले कोरोना जिस मरीज के लिए शरीर में एंट्री करता है सबसे पहले गले में अटैक करता है, थ्रोट में जैसे ये इन्फेक्शन पैदा करता है तो लोगों को खराश पैदा होती है, खराश और इचिंग, खुजली और दर्द गले में। जस्ट उसके उपरांत अगर हम लोगों ने उसका एग्जामिन नहीं कर पाया, ऐसा किसी को महसूस हो तुरंत गर्म पानी का यूज करने लग जाए और माउथ वाश यूज करें, साथ ही साथ जो ऑयली फूड्स हैं और जो कोल्ड डाइट्स हैं वो उनसे अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स है और कोल्ड वाटर है, राइस है, मतलब जो भी कोल्ड डाइट है उसको अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आपसे, पूछना चाहूँगा। जी सर, जी सर, मैं चाहता हूँ कि आप जनता को बताइए कि जो कोरोना जो बारिश होते हैं yes, वो किस तरीके के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं वो? इसका असर बैट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये गोल आकृति का होता है लेकिन बहुत डेंजरस वायरस होता है सर। इसका बैट नियर अबाउट कन्फर्म नहीं माइक्रोन में होता है। तो सर ये सबसे पहले गले में इन्फेक्शन पैदा करने के बाद जो लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं उनको ये लंग्स में पहुँच जाता है, सीधा फेफड़े में एंट्री कर जाता है। फेफड़े में जो नलियों में जाने के उपरांत जब लंग्स में कोशिकाओं लंग्स के ऊतकों में जब ये मतलब चस्प उसके एंट्री करता है लंग्स में जब पूरी तरह से स्वतंत्र होकर एंट्री करता है तो ये अपने उपजातियों को पैदा करने लगता है वहाँ पर जी। अपनी परजीवी बहुत सारे बैक्टीरियाज को वहाँ उत्पन्न कर देता है, तब जो है हम लोगों को प्रॉब्लम महसूस होने लगती है कि एकदम जो है बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आना, हो सकता मुँह से हल्के स्पोर्ट्स आना ब्लड के, और काफ़ी एलर्जेंस पैदा हो जाना, जुकाम बहुत ज़्यादा लाल आँखें हो जाए और फीवर आना। जब लंग्स में अटैक होता है तभी पेशेंट्स को फीवर आने की शुरुआत होती है। तो सर मैं चाहूँगा कि वो पेशेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा कम मैंने अटैक देखा है और इसका बहुत ज़्यादा कम प्रभाव देखा है। जिन पेशेंट्स में इम्यून पावर बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन पेशेंट्स को कोरोना का इन्फेक्शन मैंने सर्वाइव होते नहीं देखा है। अगर हो भी गया है तो वो एट लास्ट फर्स्ट स्टेज में ही मैच्योर हो जाते हैं वो पेशेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि सबको रिकमेंड करें आपके माध्यम से, माननीय मीडिया जी के मीडिया के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि जहाँ जो लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो लोग अच्छे से अच्छी डाइट का यूज करें और एक चीज़ डॉक्टर साहब एनर्जाइज प्रोडक्ट्स का यूज करें जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कोरोना वायरस जो फैला हुआ देश विदेश में जी, चाइना में, हर देशों में और हर देश में फैला हुआ है, काफ़ी लोग किसान भाई भी परेशान है, काफ़ी लोग परेशान है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि इसके लक्षण कहाँ से शुरू होते हैं, किस तरीके के लक्षण शुरू होते हैं कोरोना के सिम्टम्स में? बहुत पहले आपको बता चुका हूँ सर, सबसे पहले तो किसी पेशेंट्स में अगर आपको सूखी खांसी देखने को मिले जिसको म्यूकस नहीं आ रहा है, बलगम नहीं आ रहा, सूखी खांसी ड्राई कफ बोलते हैं, जिसको कुकर खांसी बोलते हैं बिल्कुल शुद्ध भाषा में, तो आप उस पेशेंट्स का नो डाउट उसको जो आम जनता के पास जो टोल फ्री नंबर्स एवं CMO कंट्रोल रूम लखनऊ का जो नंबर लॉन्च किया गया है
मैं समझता हूँ उस नंबर पे आप नो डाउट ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे ऐसे सिम्टम्स देखने को तुरंत उसकी रिपेयरिंग आप ऐसे नंबर पे रिपोर्टिंग करें और उनको सुपुर्द करें ऐसे पेशेंट की तुरंत जो भी इन्वेस्टिगेशन हैं जो भी उससे रिलेटेड डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट है उनका फॉलो कराएं उन्हें जाँच के लिए उन्हें संबंधित अस्पतालों में रिफर करने का कष्ट। जैसा कि अभी आपने जानकारी ली है डॉक्टर साहब ने बताया है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले सब लोग अपने अपने घर में रहिए जी जी और गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो शायद कोरोना वायरस से आप बचें जी जी रोका जा सकता है कुछ रोका जा सकता है थर्ड स्टेट में नहीं पहुंचेगा आप लोग मैच्योर हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा जो लोग अदर स्टेट से हमारे यहाँ एंट्री हो रही है जो बच्चे अदर स्टेट से जो भी वरिष्ठ या यूथ जो फॉरेन या अदर स्टेट से हमारे होम टाउन्स में अपने अपने होम टाउन्स में एंट्री हो रही है मैं चाहूंगा कि उन बच्चों में ऐसा अगर क्रिएशन है ऐसी फीलिंग है इस तरह के सिम्टम्स अगर लागू हो रहे हैं और दिख रहे हैं तो मैं चाहूंगा वो लोग अपने परिवार के सदस्यों से अवॉइड करने के साथ साथ घर से करीब 15-20 दिन नहीं निकलेंगे और ज़्यादा धूप लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर में बोलता रहेगा उतने जल्दी मैच्योर होने के चांस रहेंगे क्योंकि कोरोना आपको पता है 26 डिग्री तापमान के एवम में वो नेचुरली डिस्टर्ब हो जाता है बट जिसको लंग्स में ज़्यादा अटैक कर चुका होता है उसको नहीं डिस्टर्ब हो पाता है क्योंकि वो इंटरनली इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग अपने फैमिली के मेम्बर्स को भी अवॉइड करें और बिल्कुल भी ऑयली फूड्स का यूज़ नहीं करेंगे पूरे दिन में करीब करीब 10 बार बार वाटर का यूज करेंगे। जैसे मास्क लगाते हैं जी जी तो मास्क से क्या लगता है आपको इससे बचाव है इससे? सर ये होता है ना कि जैसे मास्क इसकी एंट्री जो है कोरोना की एंट्री जो है मोस्टली आपने मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा कि ये माउथ से आइज से नोज से और ईयर के द्वारा एंट्री होती है इसकी बॉडी में आइधर ये हवा से नहीं फैलता है लेकिन लोग अपने बचाव के लिए जैसे कि उंगली किसी के टच की और वो उंगली मुंह पे आ गई किसी भी तरह ये सभी मास्क लगाना सभी लोगों को बहुत अनिवार्य है इसलिए है कि सर ये टच करने से फैलता है माना कि किसी पे मैंने हाथ मिलाया किसी ने हो सकता है सैनिटाइजर यूज नहीं कर पाया और वो उंगली उन्होंने लिप्स पे रख ली या इसलिए जब मास्क लगा होगा तो वो उंगली अगर लगेगी तो मास्क पे लगेगी इंटरनली वो उस पर जीप पे या लिप्स पे या माउथ में एंट्री नहीं कर पाएगा इसलिए मास्क इज द वेरी मस्ट फॉर द एवरी पेशेंट। मैं यही सब सबको थैंक यू डॉक्टर साहब आपने काफ़ी कीमती समय दिया है हमारी जनता के लिए आपने काफ़ी कुछ बताया जनता के लिए अब देखना यह है कि जनता इसमें डॉक्टर साहब ने जो अपने बताया है कि मतलब इस तरीके से अपने बचाव कर सकते हैं तो आप लोगों को समझ सकते हो कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हमारी खबर देखें वो सभी लोग उस बात को लेकर चले कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं। नमस्कार मैं सोनू भदौरिया TV20 न्यूज़ से। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में दबंगों ने बैनामा शुदा आबादी जमीन पर जबरन किया कब्जा। आपको बता दें कि कमालुद्दीन पुत्र फखरुद्दीन खानपुर थाना मेजा जिला प्रयागराज के स्थायी निवासी हैं। प्राति का बैनामा शुदा आबादी की जमीन पर है जिस पर बना पुराना मकान गिर गया और उस जमीन पर प्राति अपना पक्की नींव डाला है लेकिन बीते 4 जुलाई को प्राति के मौके पर जाकर देखा तो मोहम्मद कंवर उर्फ वफाती पुत्र उमर मोहम्मद ने प्राति की नींव और ईंट गिरा कर टीन सेट डालकर कब्जा कर लिया। प्राति की माने तो मोहम्मद कंवर उर्फ वफाती गाली देते हुए बोले कि 1 लाख रुपया कर वो अपने भाई की हत्या करके आओगे तभी यह जमीन पा सकते हो अन्यथा यह जमीन हमारी करके। और ये बाद में यशो मेजा भी आए थे मैं उनके काम को सराहनीय समझूंगा। यशो मेजा जो है काफी सुलझे हुए हैं वो आकर के इन लोगों को शांत कराया और ये लोग असलाह भी जब्त किया। कल सुबह ये लोग फिर झगड़ा किए तो हमने यशो मेजा को फोन किया यशो साहब आए और आ करके इनके घर की तलाशी ली इसमें 40 लाठियां और कट्टा और राइफल बंदूक और कुछ कारतूस बरामद किए और बरामद करके ले गए हैं और हमारी तरफ से 2 लोगों को वहां पे थाने में रखे हैं उनकी तरफ से 1 आदमी को पकड़ के ले गए हैं। क्या कोई पुरानी रंजिश जमीनी विवाद? पुरानी रंजिश जमीनी विवाद है ये खानदानी बंटवारा का मामला था ये लोग बंटवारा होने नहीं दे रहे हैं और इसकी लड़ाई जो है परगना अधिकारी मेजा SDM मेजा के यहाँ लंबित है पाटबंदी के लिए 176 में और ये लोग होने नहीं दे रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे। और हमारा कहना यह है कि भाई जिसका जो हिस्सा है जब कानून लेवल की बात है तो कानून से करके अपना ले ये रंजिश का मामला है। बब्बू अहमद ये कौन सा गाँव है? खानपुर। क्या मामला है?
मामला यही है सर कि हमारा खेत का मामला था और ये जो सभापति हैं यहाँ के, सभापति के पिताजी और सभापति पिताजी और सभापति के चाचा, सभापति का नाम बताइए, उदय अजीत प्रताप सिंह और उनके पिताजी हैं उदय भान सिंह उर्फ मुन्नू सिंह और उनके चाचा हैं ज्योति स्वरूप सिंह। ये सब हमारे ज़मीन को दूसरों से दखल करा दिए जबकि हमारे खेत का सब खसरा में खतौनी में सब कुछ में नाम है, रजिस्ट्री है उसकी। हमारे बड़े पिताजी जब मर गए तो हमारे पिताजी 6 भाई थे और उनके सब के नाम चढ़ गया खसरा खतौनी में, हाँ वरासत चढ़ गया, बोली ठीक वरासत चढ़ गया सब भाइयों के नाम, लेकिन ये लोग जबरी लाठी के बल पे दबंगई के बल पे हमारा कब्जा करा रहे हैं। एक नई पड़ी थी जब घर गिर गया था, हमने नई डलाया यहीं रोड पर है, उसको कब्जा करवा दिया, खेत को कब्जा करवा दिया जबकि सब कुछ हमारे नाम है। लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही है, इसलिए कि जैसे ऐसा लगता है मुझे कि पुलिस भी डरती है इन लोगों से, इतने ज़्यादा ये लोग दबंग हैं कि पुलिस भी इनसे डरती है। अब कहते हैं कि नेतों का हमारे ऊपर संरक्षण है, ये है वो है, कोई क्या करेगा, तुम लोग लाख जगह जाओ, कुछ कोई हमारा बना बिगाड़ नहीं सकता। मारपीट भी हुआ था, हमें मार के फेंक दिया था सोराव गांव में, मैं कचहरी से लौटा था। ये देखिए 307 लगा, लेकिन आज तक इन लोगों के अरेस्ट नहीं किए गए, ये देखिए सारे नाम पड़े हुए हैं, लेकिन कोई आज तक मेरा इलाज भी चल रहा है। मार के फेंक दिया था, पहले कट्टा लगाया फिर उसके बाद। कौन लगाया था कट्टा? कट्टा ये लगाया था, लल्लन वगैरह थे, अजीत प्रताप थे, ये सारे थे। और आपसे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बोले कि इन्हें कट्टा से मत मारो, हम हकीये से मार डालेंगे, बनारसी मोहम्मद जफर उर्फ बनारसी ने कहा कि हटा लीजिए सब, मैं हकीये से इन्हें मार डालूंगा। फिर हकी निकाले हैं, कार लगी थी पीछे और मोटरसाइकिल थी। कहाँ के निवासी हैं सब? ये हमारे सब गाँव के हैं, पटदार हैं। पूरा पता बताइए। खानपुर, खानपुर थाना, थाना मेजा प्रदेश के जनपद झांसी में कोई जनता परेशान न हो, जिसके चलते मोरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने मोरानीपुर के तहसील सभागार में नगर के व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने व्यापारियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपने अपने प्रतिष्ठान निर्धारित समय के लिए खोलें, जिससे नगर के लोग जरूरत का सामान लें। साथ ही उन्होंने कहा कोरोना से निपटने के लिए नगर व क्षेत्र की जनता को सहयोग करना चाहिए और अपने अपने घरों में रहकर इस महामारी में देश के लिए योगदान देना चाहिए। आज यहाँ पे हमारे जितने भी व्यापार मंडल के सभी सम्मानित साथीगण हैं, उनके साथ में हम यहाँ पे बैठक की है, जिसमें हमारी तहसील मऊरानीपुर क्षेत्र के जितनी भी हमारी किराना की दुकानें और जो बाकी दूसरी शॉप्स हैं, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि आज और कल हमारी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, केवल मेडिकल की शॉप्स और जो किराना की जो छोटी दुकानें हैं जहाँ से लोग जो हैं अपना रोज़मर्रा का सामान जो ले सकें वो हमारी खुली रहेंगी, उसके अलावा बाकी जितनी भी दुकानें हैं शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी। और परसों से हम यहाँ पर एक कार्यक्रम यहाँ से जारी कर देंगे, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि किस समय तक और कितनी दुकानें जो हैं वो खुलेंगी हमारी यहाँ पे और कितने समय तक खुलेंगी। प्रयागराज के कोनाव में नगर पंचायत कस्बा के अंदर सब्जी मंडी में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ज्यादा भीड़ लगी हुई, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, ज्यादा भीड़ की वजह से वहां पर गंदगी भी फैली है, सब्जी बेचने वाले ग्राहकों का आना जाना वहां पर लगा है, वहीं लोग किसी भी प्रकार का कोई मास्क नहीं लगाए, कहीं ना कहीं इससे बीमारी बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं। पर ललितपुर में कोरोना वायरस से निपटने की जिम्मेदारी वाले सभी विभाग व पुलिस कर्मी सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। इस भयंकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 से 14 मार्च तक लॉकडाउन किया गया। इसी क्रम में ललितपुर के अधीक्षक एलम बेग द्वारा जनता से अपील की गई कि अपने घरों से बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पूरी तरह से सहयोग दें। मैं कैप्टन एम एम बेग, SP ललितपुर, एक अपील अपनी सम्मानित जनता से करता हूँ कि आगामी 3 दिवस में जिस तरह से 22 में आपने घरों में रहकर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरा सहयोग किया था, उसी प्रकार से आज से शुरू करके अगले 3 दिनों तक अपने घरों में लॉकडाउन में रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सम्मानित जनता, हमारे सम्मानित नागरिक इसमें पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि कोरोना का प्रकोप अभी बहुत जगहों पर जारी है और उसके रोकथाम करने के लिए, इसका चेन ब्रेक करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने घरों में ही रहें और इसमें पूरा सहयोग करें। कुछ चीज़ें मैं अनुरोध करूंगा, सुबह और शाम को अभी कुछ लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर निकलते हैं, उनमें ये चीज़ बाहर जाने पे खतरा बनेगा, मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग ये मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक बंद करके अपने घरों में ही रहें। इसके अलावा आपको जो चाय पान की दुकान है, जो इस तरह के खान पान की चीज़ें हैं,
वहाँ पे भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो फिर भी से डिस्टर्ब होगा, तो ये दुकानें भी बंद रहेंगी। जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, एसेंशियल सप्लाईज़, वो जारी रहेंगी। प्रशासन इसमें पूरा मुस्तैद है, व्यवस्थाएँ ऐसी बनाई गई हैं कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, तो कोई पैनिक बाइंग करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपको मुहैया होंगी। जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पर कोई एकत्रित ना हो, एक स्थान पर यदि आवश्यक भी है तो दो से अधिक लोग ना जाएं। मैं ये पूरा विश्वास करता हूँ कि इसमें सभी लोग सहयोग करेंगे और इस एक जो मुहिम है, हमारा जो अभियान है, इसको सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।